ओके जी, कोई हेलो 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 नहीं करेंगे, कोई म्यूज़िक की बात नहीं करेंगे, कोई कहानी नहीं सुनाएंगे कि मैं ये रेसिपी क्यों बनाने वाला हूँ, आपको पता है मैं क्यों बनाने वाला हूँ। आज एकदम कट टू कट बात करेंगे हम, एटलीस्ट कोशिश करते हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। आज बनाएंगे छोले भटूरे, और छोले भटूरे की साइंस को सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? 8 सेकेंड के बाद कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी छोले भटूरे बनाने के लिए आपको चाहिए छोले, ठीक है? अब ये छोले जो हमने सोक कर दिए, लेकिन छोले से पहले हम आटा लगा लेंगे, वो ज्यादा जरूरी है। कहां गई मेरी परात? अब आटा जो है, मैं आपको भटूरे का दो तरीके से दिखाऊंगा, एक खमीर वाला यानी कि ईस्ट वाला, और एक बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर वाला, ठीक है? 1.5 कप मैदे में शक्कर, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा नमक। अब यहाँ पर तेल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, लेकिन घी जो है वो खस्ता करने के काम आता है, तेल जो है वो मुलायम करने के काम आता है, याद रखिएगा। अगर भटूरे को मुलायम करना है तो तेल डालें। पहले मैं ईस्ट वाला आपको दिखा देता हूँ। अभी ये ईस्ट जो है, 5 ग्राम ईस्ट आपको लेना है, ये ड्राई ईस्ट था 5 ग्राम। इसको पानी में हमने सोक किया और इस्तेमाल किया। अब पानी, ठीक है, और पानी के साथ साथ कम से कम आपने ये 1 घंटे जो भिगोया हो वो रवा, ये रवा जो भिगोया हुआ है, अगर आप इसको लें तो आप ये बिल्कुल आटे की तरह गूंध जाएगा। अगर सूखा रवा होता तो वो कड़कपन में ऐड करता। जब मठरी बनाते तो क्या डालते हैं? सूखा रवा। है नमक पारे बनाते तो क्या डालते हैं? सूखा रवा। कोई चीज़ खस्ता करनी होती, क्रिप्सी करनी होती तो क्या डालते हैं? सूखा रवा। यहाँ पर नरम करना है, मुलायम करना है, स्ट्रेचेबल करना है, इसलिए भीगा हुआ रवा, और अच्छा भीगा हुआ। अब ये पार्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर सब लोग देखते हैं कि हलवाई क्यों जोर जोर से पटकता है भटूरे के आटे को। वो पटका पटकी इसलिए होती है कि जो इसके अंदर का ग्लूटन है, जो इसके अंदर का लचीलापन है, जो इसके अंदर का जाला है, वो बन जाए, ठीक है? अगर वो जाला नहीं बनेगा तो भटूरा नहीं बनेगा, इसलिए पटकना बहुत ज़रूरी है। इसको डाल दिया एक बोल में, और इसके ऊपर लगाया ऑयल। ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूखेगा नहीं, अंदर नहीं खपाना है ऑयल, सिर्फ ऊपर ऊपर लगाना है। तो वो तो था जी खमीर वाला आटा, एक तरह का आटा। अब दिक्कत क्या होती है खमीर के साथ, सर्दियों में बड़ी दिक्कत होती है। लोग बोलते हैं रणवीर यार हमारा खमीर तो उठता नहीं है, है ना? या फिर ये ईस्ट वाला चक्कर हमें नहीं करना भाई, है? तो वो बोलते हैं कि रणवीर हम ईस्ट नहीं खाएंगे, अब बताओ। तो भाई वो रेसिपी जो है वो ये है, पानी और दही, ठीक है जी? यहाँ पर दही क्यों? दही थोड़ी खटास देगा। एक खटास जो है वो नेचुरल खमीर से आती है, राइट? ईस्ट जब फर्मेंट होता है तो खटास देता है, हल्की सी नेचुरल खमीर से खटास आती है। यहाँ पर वो खमीर वाली खटास नहीं आएगी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने दही डाल दिया। अब ये जो ईस्ट वाला डो है ना, इसको मैं ओवन में डाल रहा हूँ, ठीक है? और ओवन बंद है, है? सिर्फ वो जो गर्मी होती है खमीर के लिए, उसी के लिए डाल रहा हूँ मैं। मतलब चलते ओवन में नहीं डालना, मतलब आप बना जाएंगे भटूरे, बन जाएगी कच्ची पक्की ब्रेड, किसी के सर पे मारेंगे सर बुड़ जाएगा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था। ओवन बंद होना चाहिए, हंसते खेलते जो खाना बन जाए अच्छा है साहब। मैं स्ट्रिक्ट टीचर नहीं बन सकता, मैं स्ट्रिक्ट जज बन सकता हूँ, लेकिन स्ट्रिक्ट टीचर नहीं बन सकता। ये प्रोसेस सेम रहेगा साहब, ठीक है? आप चाहें तो रवे को पीस कर भी सोक कर सकते हैं। हाँ, मैंने ऐसे ही जाड़ा वाला रवा जो है वो सोक कर दिया है। इसका दाना जो है वो थोड़ा सा रहेगा, बट ज़्यादातर घुल जाएगा, क्योंकि लंबे समय तक हाइड्रेट होगा ना, ये लंबे समय तक पड़ा रहेगा, धीरे 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 इसका दाना जो है, रवे का दाना जो है घुल जाएगा, और जो नहीं भी घुलेगा वो स्ट्रक्चर ही देगा, टेंशन मत लीजिए। प्लीज़ गिव द डो इनफ टाइम टू रेस्ट। जो ईस्ट वाला डो है उसको कम से कम नहीं तो 1.5 घंटा लगेगा, जो बगैर ईस्ट वाला डो है उसको कम से कम नहीं तो 45 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, सिर्फ मैदा ढलने के लिए, ठीक है? तो नॉर्मली लोग बोलते हैं यार छोले भटूरे में ना यार छोले बड़ा टाइम लेते, छोले कोई टाइम नहीं लेते, भटूरे टाइम लेते हैं। ओके जी,
अभी जब डो की कहानी ख़त्म हो चुकी है तो छोले की कहानी शुरू करते हैं। तो जी ये कुकर लीजिए, अगर समय है तो फिर लोहे का बर्तन ले लीजिए, नहीं तो कुकर भी ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आंवला, ये सूखा हुआ आंवला। अब ये जो आंवला है इसकी वजह से छोलों में कायदे से काला रंग आना चाहिए, लेकिन अगर आपको और डार्क करने हैं तो हम आंवले के साथ साथ चाय पत्ती भी डालेंगे, द यूजुअल ट्रिक। दो तरीके से चाय पत्ती डाल सकते हैं, एक तो चाय का पानी बना के डाल सकते हैं, दूसरा चाय पत्ती को एक पोटली में डाल सकते हैं आप। आपके छोले जितने मर्जी सोक्ड हों, जितने मर्जी सोक्ड हों, अगर आपको छोले भटूरे के छोले बनाने हैं तो आपको बेकिंग सोडा डालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो गलाने वाली चीज़ है वो बेकिंग सोडा से आती है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपके छोले अच्छा काला रंग पकड़ें तो उनको चाय के पानी में पकने के बाद भी छोड़ दीजिए, जितनी देर आप छोड़ेंगे उतनी देर में छोले और काले होंगे। ये अब जो है छोलों को पका लेना अच्छे से, कंजूसी नहीं करनी। इसके बाद छोले ज़्यादा पकाए नहीं जाएंगे, और अब हमने फिर से सीटी वाला कुकर ढूंढ लिया ताकि मैं बात ना करूं और सिर्फ यही बात करें। देखो एक तरीका ये भी है रणवीर को चुप कराने का, सीटी है, सीटी वाला कुकर ढूंढो जिसकी सीटी तेज हो। अब क्या करना है, अब बनाने मसाले, ध्यान से देखिएगा। तो जी छोले मसाले के लिए पहले तो ये समझ लीजिए कि फंडामेंटल क्या है, काले मसाले ज़्यादा यूज़ करिए। काले मसालों में क्या है, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग। अब कायदे से छोले जो हैं वो ऐसे लोहे की कढ़ाई में पकने चाहिए। एक बार कुकर में आपने डाल दिया, उसके बाद जो भुनाई है वो लोहे की कढ़ाई में होनी चाहिए। अगर उबाल भी सकते हैं तो उसको लोहे में उबालिए ताकि उसका कलर और काला हो। चक्री फूल, थोड़ा सा मेथी दाना, मेथी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा लौंग, लौंग थोड़ा मतलब दो लौंग डाले मैंने, तीन डाल देता हूँ, और बड़े मज़े का रंग होता है, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ भी पाउडर्ड नहीं डाला है, क्यों, क्योंकि रंग खराब हो जाएगा ना, और पाउडर मसाला पहले जल जाएगा, खड़े मसाले जलेंगे नहीं, इसलिए कभी भी पाउडर्ड मसाले और खड़े मसाले एक साथ ना भूने, ठीक है। जब खुशबू आनी शुरू हो जाए, 50% भुन जाए खड़े मसाले, तब डालिए धनिया पाउडर, थोड़ी हींग, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी, हाँ, और बिल्कुल थोड़ा सा जीरा पाउडर, बस। मेन क्या है, ये जो छोले हैं ये गाढ़े होंगे इस मसाले से, राइट, और ऑब्वियसली छोले का जो पानी है वो भी गाढ़ा करेगा, लेकिन इस मसाले में जो कंपोनेंट अपने छोलों को गाढ़ा करेगा वो है धनिया पाउडर। इसलिए धनिया पाउडर डेफिनेटली लास्ट में डालें, वरना धनिया पाउडर जल जाएगा। आइए देखिए, चाय की पोटली लो जी निकाल, बाकी अगर आप चाहें तो आंवला निकाल सकते हैं, मैं उसमें रहने देता हूं, मेरे को अच्छा लगता है। अगर आपको लग रहा है कि चना ओवर कुक हो गया है तो पानी निकाल लें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं चना जो है वो ठीक है, पानी में पड़ा रहने दीजिए, तो पानी में पड़ा रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि पानी एनी वे फेंकना नहीं है, पानी की तो मतलब मोनोपोली है। अब जो है अपना 70% काम खत्म हो गया है, जब तक ये चने टहलते टहलते सुस्ता रहे तब तक मैं टहलते टहलते सुस्ता के अपना मसाला पीस के आ जाता हूँ। मुझे लग रहा है ये कढ़ाई जो है इसमें छोले अपने सेट हो जाएंगे। थोड़ा मैंने घी डाला है, घी को मैं कढ़ाई में घुमा रहा हूँ, नाइस है जी, नाइस। अब मैं इसको ढक क्यों नहीं रहा हूँ, मैं ढक इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और छोले जो हैं वो पके नहीं, राइट। छोले हमने पका लिए कुकर में, अब सिर्फ उनके अंदर धीरे 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 फ्लेवर डालना है, और ये फ्लेवर जो मच्योर होना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमने धनिया क्यों भूना था, क्योंकि यहाँ पर हमने तड़का नहीं लगाया, इसलिए धनिया पाउडर को भी हमने हल्का सा भून लिया था ताकि मसाले जो हैं उसके बाद पानी में पकेंगे। फिर हमने डालना है जी छोले का पानी, देखो ऑलरेडी रंग हो गया ना चेंज, इसकी ब्यूटी यही है, या तो बिल्कुल धीमी आंच पर छोड़ दो या गैस बंद कर दो, हाँ, और इसको कम से कम नहीं तो ऐसे आप छोड़ दो 15-20 मिनट, ताकि वो मसाले का और वो स्टॉक का वो फ्लेवर धीरे 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 पीता रहे। ये सबसे छोटी वाली गैस ना यहाँ डालता हूँ मैं। देखिए अगर इमली नहीं है, इमली का पानी नहीं यूज़ करना चाहते, टेंशन नहीं लेनी, सोल्यूशन है अमचूर, हाँ, या फिर बेस्ट सोल्यूशन है अनारदाना, सूखा हुआ अनारदाना,
वो लें, और जब आप अपना मसाला फाइनली पीसने के लिए जा रहे हैं गरम गरम मसाले में थोड़ा अनारदाना डाल दें, उसको साथ में पीस लें, अनारदाने से खटास भी आएगी और वो काला रंग भी आएगा जो आप इमली से उम्मीद रखते हैं। और इमली अगर यूज़ करें तो काली इमली यूज़ करें, मैंने बता दिया आपको। कई जगह लाल इमली अच्छी है, कई जगह काली इमली अच्छी है, इसलिए अपने किचन में अगर शौकीनों की तरह वीकेंड पे खाना बना रहे तो लाल और काली इमली दोनों रखें। मैं क्या कर रहा हूँ धीरे धीरे देखिए, मैंने क्या किया, पहले वो अदरक के लच्छे डाले, फिर थोड़े टाइम बाद पानी डाल दिया, फिर थोड़े टाइम बाद घी डाल दिया, फिर थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा मसाला डाल दिया, फिर उसको मतलब ये 30-35 मिनट का प्रोग्राम धीरे धीरे वाला है, और ये जो स्वाद है इसका वो इसी में आता है। लोग कहते हैं ना कि यार छोले भटूरे वीकेंड प्रोग्राम, मैं तो खुद ही कहता हूँ ये, अगर आपको चाहिए वो सीक्रेट रेसिपी जिससे कि छोले भटूरे बन जाए 15 मिनट में, तो वो नहीं है। छोले भटूरे मतलब वीकेंड, समय लेके तसल्ली से खुशी खुशी बनाओ, छेती वाला काम नहीं छोले भटूरे वाला। अब जी पेड़े काटने का वक्त आ गया, बहुत ध्यान से पेड़े काटने हैं, देखिए ऐसे ये, ताकि कट कहाँ पे है पता ना चले। अब यहाँ पर इसको वापस ढलने देना है, बहुत ज़रूरी है, उससे पहले अच्छे से ठोक के तेल लगा दीजिए ऊपर। अब इसको छोड़ दीजिए ढलने के लिए कम से कम 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट से पहले आपने टच किया तो पाप लग जाएगा, क्योंकि मैदे का हर स्टेज में ढलना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी। ये देखिए ये जो है ना लोहे में पकाने की जो ब्यूटी है वो ये देखिए, हल्का हल्का मैं साइड से स्क्रेप कर रहा हूँ और ये काला होता जा रहा है, देखिए। अब ये जी हमारा दूसरा डो, कौन सा वाला, खमीर वाला उर्फ ईस्ट वाला। देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है समझने वाली कि डो जो है वो ढीला होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा धोखा हमारा जो है वो ये है कि हमें लगता है कि जो राइस आता है किसी भी चीज़ में वो आता है सोडे की वजह से या ईस्ट की वजह से। अगर सोडे या ईस्ट की वजह से राइस आता तो रोटी क्यों फूलती, अगर सोडे या ईस्ट की वजह से राइस आता तो पूड़ी क्यों फूलती, वो क्यों फूलती है, क्योंकि वो भाप की वजह से उठती है, और भाप कैसे बनता है, पानी से। इसलिए ये जो डोज़ हैं, चाहे वो भटूरे का डो है या ब्रेड के डोज भी हैं, उसमें हम सब कुछ ईस्ट पे नहीं छोड़ सकते, वो डो भी लूज होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ताकि पानी की भाप से भी राइज आए, ये समझना बहुत ज़रूरी। हम अक्सर धोखे में रह जाते हैं कि अब बेकिंग पाउडर डाल दिया ढेर सारा, उसके बाद डो बना दिया टाइट, तो उसमें पानी भी तो होना चाहिए ना जो उसको भाप बनाएगा और गुब्बारे की तरह फुलाएगा, नहीं तो आप बनाना जाते भटूरे बन जाती ब्रेड और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं, ब्रेड नहीं बनानी भटूरे बनाने, बताया था मैंने, ठीक है जी। अब भटूरे तलते हैं। भटूरे तलने के लिए देखिए सबसे पहले तेल इससे ज़्यादा कभी नहीं भरना, क्योंकि वो आप भटूरे को टॉस करवाएंगे, थोड़ा घुमाएंगे फिराएंगे, उसके लिए जगह चाहिए। दूसरा, जितनी चौड़ी आपकी कढ़ाई हो उतना अच्छा है। तीसरा, सबसे बड़ा जो आपका चूल्हा हो उस चूल्हे पर आपको डालना है और तेल को जड़ तक गर्म होने देना है, स्मोक होने देना है, बहुत ज़रूरी है। कायदे से देखिए भटूरे का जो डो होता है वो हमेशा ऐसा होता है कि हाथ में ही फैल जाता है, राइट। लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं रोलिंग पिन तो बिंदास यूज़ करिए। अभी ये गया तेल में, 1-2 तेल फुल, चलो जी, और ऐसे हमने गुब्बारे की तरह फुला लिया इसको, बैलून बन गया इसका बैलून, ठीक है। ये देखिए बन गया बैलून, ठीक है जी, बस यही इसकी मोनोपोली है, इसमें और कुछ नहीं है। अब ये बैलून जो है ये अपनी शेप क्यों रखता है, अब ये बैलून अपनी शेप इसलिए रखता है क्योंकि इस बैलून में हमने वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला। देखो रणवीर तू भी वैसे ही बोलने लगे, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, नहीं नहीं, अब ये बैलून जो है अपनी शेप इसलिए पकड़ेगा क्योंकि इसके अंदर है वो भीगा हुआ रवा। इसको मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ, ये ओह फैंटास्टिक, ओह ऐसे खा लो रणवीर, तू बड़ा लालची इंसान है, ओह दैट ब्रेडीनेस, हाँ ब्रेडीनेस बोला था ना मैंने, पूड़ी में और भटूरे में फ़र्क क्या, ब्रेडीनेस का। अभी वो ईस्ट वाला ट्राई करें,
ये देखिए, जितना पतला डो उतनी मौज। अभी फिर से ऑयल को स्मोक किया। अब तो सेम है फॉर्मूला, तेल जो है इसीलिए कम डालते हैं क्योंकि तेल उछालना पड़ता है। तो कढ़ाई पहले ही अगर हमने भर दी तो फिर तेल उछालने की जगह नहीं रहेगी। ये देखिए, अब जब भी आप छोले भटूरे खाते हैं तो साथ में आलू मिलते हैं ना, वो तले हुए आलू, तो ये तले हुए आलू हैं जी। बॉइल्ड आलू काट दिए थे मैंने। चलो देखो जी, आलू तल लिए, ठीक है। अब पुराने टाइम में आलू नहीं होते था, ये तला हुआ कचालू होता था। आलू तो बहुत रीसेंट इन्वेंशन है। तला हुआ कचालू मिलता था आपको छोलों के ऊपर। आलू हिंदुस्तान में बहुत बाद में आया, पहले चाट में कचालू, पीली मिर्च ये सब यूज़ होता था, लाल मिर्च और ये आलू वालू जो है ये सब नहीं था। पहले भाई चने निकालते हैं। ये देखिए मसाला हो गया ना काला। असल छोले भटूरे जो हैं वो बगैर पानी वाली चीज़ों के ही बनते हैं, यानी कि प्रिजर्वेशन के लिए मसालों का इस्तेमाल होता है और उसके बाद सिर्फ गार्निश के लिए हरा धनिया और अदरक के लच्छे, बस। इसके अंदर नो प्याज नो गार्लिक, ओनली स्पाइस। पंजाब में इस कलर के छोले को जो बोलेंगे चिक्कड़ छोले, हैं, यानी कि कीचड़ के कलर वाले छोले। बहुत क्रूड डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अगर आप कलर ढूंढ रहे हैं ना कि यार रणवीर आइडियल कलर क्या है मेरे छोलों का, तो चिक्कड़ छोले बना लो जी। आ भाई भटूरा ऐसे होना चाहिए, वन बाय वन आना चाहिए, गरम गरम है एंड डन। और घी जो है उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी वो सूजी भिगोने वाली ट्रिक बड़ी सिंपल है, छोले के मसाले की ट्रिक बड़ी सिंपल है, फिर भटूरे में वो सादा पानी डाल के उसमें लचीलापन और हवा भरने वाली ट्रिक बहुत सिंपल है। तो ये वीडियो होपफुली आप फ्राइडे को देखेंगे और संडे को बनाएंगे। अगर फ्राइडे को नहीं देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़े सालों से पड़ा हुआ है, मेरे बाद भी इंशाल्लाह पड़ा रहेगा, बनाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम रहे ना रहे ये रेसिपीज रहेंगी, ठीक है। चलो